किसी वैज्ञानिक को स्पेशल सिक्योरिटी की कड़ी सुरक्षा के बीच खास गाड़ियों के काफिले में देखना आम बात नहीं है, वो भी तब जब ये सुरक्षा व्यवस्था देश के राष्ट्रपति के लिए तैनात की गई सुरक्षा व्यवस्था से भी ज्यादा हो। लेकिन यहाँ बात हो रही है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की, जिन्हें एके खान के नाम से भी जाना जाता है और ये कोई आम वैज्ञानिक नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। पेशे से इंजीनियर डॉक्टर खान एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक परमाणु बम बनाने की तकनीक, मिसाइल बनाने के लिए यूरेनियम की एनरिचमेंट, मिसाइल में लगने वाले उपकरण और पुर्जों के व्यापार में काम कर चुके हैं। यूरोप में सालों तक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पढ़ाई और काम कर चुके डॉक्टर खान को मिसाइल बनाने का तरीका भी आता था। डॉक्टर खान ने परमाणु तकनीक की जानकारी और अपनी सेवाएं पाकिस्तान, लीबिया, उत्तर कोरिया और ईरान को दी। इन देशों के परमाणु कार्यक्रम में वो एक अहम नाम बनकर उभरे। लेकिन ये पाकिस्तान ही था जहां उन्हें काफी शोहरत हासिल हुई। कहा जाता था कि 1980 और 90 के दशक में इस्लामाबाद के सबसे ताकतवर व्यक्ति डॉक्टर खान ही थे। स्कूलों की दीवारों पर, सड़कों गलियों में उनके पोस्टर दिखाई देते थे। उन्हें 1996 और 99 में दो बार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का जन्म अविभाजित भारत के भोपाल में 1935 में एक साधारण परिवार में हुआ था। उस वक्त यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी। जब भारत आजाद हुआ तो खान परिवार पाकिस्तान में जाकर बस गया। 1960 में पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय से मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद खान ने परमाणु इंजीनियरिंग से संबंधित और पढ़ाई करने के लिए पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स का रुख किया। साल 1972 में उन्हें एम्स्टर्डम में मौजूद फिजिकल डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में नौकरी मिली। कंपनी छोटी थी लेकिन एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ इसका करार था। बाद में परमाणु उपकरणों और खुफिया जानकारी के बाजार की दुनिया में डॉक्टर खान के लिए उनका ये काम अहम रहा। ब्रिटिश, जर्मन और डच मूल की कंपनियों का ये संघ परमाणु ऊर्जा के उत्पादन करने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट के शोध और विकास के लिए काम करता था। इसके लिए वो सस्ती तकनीक का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था जिपी सेंट्रीफ्यूज। हालांकि ये तकनीक शहरों को साफ सुथरा रखने और सस्ती दर में बिजली उपलब्ध करा सकती थी, लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ ये एटम बम बनाने के लिए अहम कच्चा माल भी बन सकती थी। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार खान ने एक लो लेवल सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की, लेकिन देखरेख की प्रक्रिया सुस्त होने की वजह से वो परमाणु तकनीक, खासकर सेंट्रीफ्यूज के काम करने के तरीके के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर सके। उन्होंने एलमेलो में डच यूरेनियम संयंत्र का भी दौरा किया। इस इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार सेंट्रीफ्यूज की तकनीक से जुड़े दस्तावेज जर्मन भाषा से डच भाषा में अनुवाद करना भी डॉक्टर खान का ही एक काम था। साल 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान के ये इंजीनियर डॉक्टर खान फिजिकल डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में ही काम कर रहे थे। अमरीकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में साल 2018 में छपे एक लेख में कहा गया था कि इस घटना ने डॉक्टर खान के अंदर छिपे राष्ट्रवाद को एक तरह से चुनौती दी और पड़ोसी मुल्क से बराबरी करने में पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करने लगे। इसी साल उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया विभाग के साथ काम करना शुरू कर दिया था। पत्रिका के मुताबिक CIA और डच की खुफिया एजेंसियों ने उनकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें रोकने के बजाय उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिश और तस्करी के नेटवर्क के बारे में पता लगाने के लिए उनकी जासूसी करने का फैसला किया। पत्रिका में लिखा गया है कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि डॉक्टर खान को उनकी जासूसी होने का पता था या नहीं, लेकिन दिसंबर 1975 में एक दिन अचानक डॉक्टर खान और उनका परिवार हॉलैंड छोड़कर पाकिस्तान चला गया। इस दौरान उन्होंने बार बार कहा कि उनके कार्यक्रम के पीछे सेना का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन 1998 में हुए परमाणु परीक्षण के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे कभी कोई संदेह नहीं था कि हम एक बम बना रहे हैं, हमें ये करना ही था। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान में उनका मिशन खत्म हो चुका था। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक 1980 के दशक के बीच में डॉक्टर खान ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई कंपनियां खड़ी की, जिसने बाद में एक बड़े व्यापार की शक्ल अख्तियार कर ली। ये व्यापार जिप्पी सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन और पुर्जों की बिक्री का था। उनके खरीदारों में ईरान शामिल था, जिसने पाकिस्तानी मॉडल से प्रेरित होकर यूरेनियम संवर्धन करने के लिए परमाणु केंद्र बनाया। डॉक्टर खान ने लीबिया को भी परमाणु तकनीक बेची, लेकिन साल 2003 में अमेरिका ने उनके परमाणु कार्यक्रम पर एक तरह से रोक लगा दी। इसके बाद अमेरिका ने डॉक्टर खान और उनकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी दबाव के कारण पाकिस्तान के इस वैज्ञानिक को उन्हीं के देश में गिरफ्तार कर लिया गया। 4 फरवरी 2004 को टेलीविजन पर प्रसारित एक कार्यक्रम में उन्होंने परमाणु तकनीक के अंतर्राष्ट्रीय तस्करी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की। उस वक्त BBC को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर खान ने कहा था, मुझे बेहद अफसोस है और बिना शर्त माफी मांगता हूँ। उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने उत्तर कोरिया, ईरान और इराक को परमाणु तकनीक दी थी।
अपने बयान में उन्होंने अपने व्यापार में सरकार या सेना के शामिल होने की बात को खारिज कर दिया। हालांकि इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार कई परमाणु विशेषज्ञों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब तक अमरीकी सरकार ने डॉक्टर खान के व्यापार के बारे में पता लगाया और ठोस कदम उठाया, तब तक 3 दशक का वक्त बीत चुका था। इसका कारण कहीं न कहीं उसका शीत युद्ध में खुद को व्यस्त रखना था। फॉरेन पॉलिसी पत्रिका के मुताबिक साल 2009 में डॉक्टर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, अफगानिस्तान में युद्ध ने हमें अपनी परमाणु क्षमता और बढ़ाने का मौका दे दिया। ये हालात ना होते तो हम इतनी जल्दी बम नहीं बना सकते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ डॉक्टर खान के लिए स्थितियां बिगड़ती चली गईं और पाकिस्तान को अमरीकी दबाव के आगे झुकना पड़ा। साल 2009 में डॉक्टर खान पर लगाई गई नजरबंदी हटाई गई।